नमस्कार, आज हम सुनेंगे पंच परमेश्वर कहानी का तीसरा भाग। अच्छे कामों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है, पर बुरे कामों की सिद्धि में ये बात नहीं होती। जुम्मन को भी बदला लेने का अवसर जल्द ही मिल गया। पिछले साल अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत अच्छी गोई मोल लाए थे। बैल पछाही जाति के सुंदर बड़े बड़े सिंगों वाले थे। महीनों तक आसपास के गांव के लोग दर्शन करते रहे। दैवयोग से जुम्मन की पंचायत के एक महीने के बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। जुम्मन ने दोस्तों से कहा, ये दगाबाजी की सजा है। इंसान सब्र भले ही कर जाए, पर खुदा नेक बद सब देखता है। अलगू को संदेह हुआ कि जुम्मन ने बैल को बीज दे दिया है। चौधराइन ने भी जुम्मन पर ही इस दुर्घटना का दोषारोपण किया। उसने कहा, जुम्मन ने कुछ कर करा दिया है। चौधराइन और करीमन में इस विषय पर एक दिन खूब ही वाद विवाद हुआ। दोनों देवियों ने शब्द बाहुल्य की नदी बहा दी। व्यंग्य, वक्रोक्ति, अन्योक्ति और उपमा आदि अलंकारों में बातें हुई। जुम्मन ने किसी तरह शांति स्थापित की। उन्होंने अपनी पत्नी को डांट डपट कर समझा दिया। वो उसे उस रणभूमि से हटा भी ले गए। उधर अलगू चौधरी ने समझाने बुझाने का काम अपने तर्कपूर्ण सोटे से किया। अब अकेला बैल किस काम का? उसका जोर बहुत ढूंढा गया पर ना मिला। निदान ये सलाह ठहरी कि इसे बेच डालना चाहिए। गांव में एक समझू साहू थे, वो इक्का गाड़ी हाँकते थे। गांव से गुड़ घी लादकर मंडी ले जाते, मंडी से तेल नमक भर लाते और गांव में बेचते। इस बैल पर उनका मन लहराया। उन्होंने सोचा, ये बैल हाथ लगे तो दिन भर में बेखट के तीन खेप हों। आजकल तो एक ही खेप में लाले पड़े रहते हैं। बैल देखा, गाड़ी में दौड़ाया, बाल भौड़ी की पहचान कराई, मोल तोल किया और उसे लाकर द्वार पर बांध ही दिया। एक महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा। चौधरी को भी गरज थी ही, घाटे की परवाह न की। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे उसे रगेदने। वह दिन में तीन तीन बार चार चार बार खेपे करने लगे। न चारे की फिक्र थी न पानी की, बस खेपों से काम था। मंडी ले गए, वहाँ कुछ सूखा भूसा सामने डाल दिया। बेचारा जानवर अभी दम भी न लेने पाया था कि फिर जोत दिया। अलगू चौधरी के घर था तो चैन की बैंसी बस्ती थी। बैलराम छठे छमाहे कभी बहली में जोते जाते थे। खूब उछलते कुत्ते और कोसों तक दौड़ते चले जाते थे। वहाँ बैलराम का रातिब था, साफ पानी, दली हुई अरहर की दाल और भूसे के साथ खली। और यही नहीं, कभी कभी घी का स्वाद भी चखने को मिल जाता था। शाम सवेरे एक आदमी खड़हड़े करता, पोसता और सहलाता। वहाँ कहाँ वो सुख चैन, कहाँ या ये आठों पहर की खपत। महीने भर ही में वो पिस सा गया। इक्के का जुआ देखते ही उसका लहू सूख जाता था। एक एक पग चलना दुभर था, हड्डियों निकल गई थी। पर था वो पानीदार, मार की बर्दाश्त न थी। एक दिन चौथी खेप में साहू जी ने दूना बोझ लादा। दिन भर का थका जानवर पैर न उठते थे। वह साहू जी कोड़े फटकारने लगे। बस फिर क्या था, बैल कलेजा तोड़कर चला। कुछ दूर दौड़ा और चाहा कि जरा दम ले लूं, पर साहू जी को जल्दी पहुंचने की फिक्र थी, अतएव उन्होंने कई कोड़े बड़ी निर्दयता से फटकारे। बैल ने एक बार फिर जोर लगाया, पर अब की बार शक्ति ने जवाब दे दिया। वह धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर न उठा। साहू जी ने बहुत पीटा, टांग पकड़कर खींचा, नथनों में लकड़ी ठूंस दी, पर कहीं मृतक भी उठ सकता है भला। जब साहू जी को कुछ शक हुआ, उन्होंने बैल को गौर से देखा, खोलकर अलग किया और सोचने लगे कि गाड़ी कैसे घर पहुंचे। बहुत चीखे चिल्लाए, पर देहात का रास्ता बच्चों की आंख की तरह सांझ होते ही बंद हो जाता है। कोई नजर न आया, आसपास कोई गांव भी न था। मारे क्रोध के उन्होंने मरे हुए बैल पर और दुर्रे लगाने
और कोसने लगे। अभागे, तुझे मरना ही था तो घर पहुँच कर मरता। ससुरा, बीच रास्ते ही मैं मर गया, अब गाड़ी कौन खींचे। इस तरह साहू जी खूब जले भुने। कई बोरे गुड़ और कई पीपे घी उन्होंने बेचे थे। ₹250 कमर में बंधे थे। इसके सिवा गाड़ी पर कई बोरे नमक के थे, अतएव छोड़कर जा भी न सकते थे। लाचार बेचारे गाड़ी पर ही लेट गए, वहीं रत जगा करने की ठान ली। चिलम पी गाया, फिर हुक्का पिया। इस तरह साहू जी आधी रात तक नींद को बहलाते रहे। अपनी जान में तो वो जागते ही रहे, पर पौ फटते ही जो नींद टूटी और कमर पर हाथ रखा तो थैली गायब। घबरा कर इधर उधर देखा तो कई कनस्तर तेल भी नवारत। अफसोस में बेचारे ने सिर पीट लिया और पछाड़ खाने लगा। प्रातःकाल रोते बिलखते घर पहुँचे। सहुआई ने जब ये बुरी सुनावनी सुनी तब पहले तो रोई, फिर अल्लू चौधरी को गालियाँ देने लगी। निगोड़े ने ऐसा कुलच्छनी बैल दिया कि जन्म भर की कमाई लूट गई। इस घटना को हुए कई महीने बीत गए। अलगू जब अपने बैल के दाम मांगते हुए साहू और सहुआई दोनों के पास आए, दोनों ही झल्लाते हुए कुत्ते की तरह चढ़ बैठते और अंड वंड बकने लगते। वाह, यहाँ तो सारे जन की कमाई लूट गई, सत्यानाश हो गया, इन्हें दामों की पड़ी है। मुर्दा बैल दिया था उस पर दाम मांगने चले हैं। आंखों में धूल झोंक दी, सत्यानाशी बैल गले बांध दिया, हमें नीरा पोंगा ही समझ लिया है। हम भी बनिए के बच्चे हैं, ऐसे बुद्ध कहीं और होंगे। पहले जाकर किसी गढ़े में मुंह धोकर आओ, तब दाम लेना। ना जी मानता हो तो हमारा बैल खोल ले जाओ, महीना भर के बदले 2 महीना जोत लो, और क्या लोगे। चौधरी के शुभ चिंतकों की कमी न थी, ऐसे अवसरों पर वे भी एकत्र हो जाते और साहू जी के वड़ाने की पुष्टि करते। परंतु ₹150 से इस तरह हाथ धो लेना आसान न था। एक बार वो भी गरम पड़े। साहू जी बिगड़ कर लाठी ढूंढने घर चले गए। अब सहुआई ने मैदान लिया। प्रश्नोत्तर होते होते हाथापाई की नौबत आ पहुंची। सहुआई ने घर में घुसकर किवाड़ बंद कर लिए। शोरगुल सुनकर गांव के भले मानुस जमा हो गए। उन्होंने दोनों को समझाया, साहू जी को दिलासा देकर घर से निकाला। वो परामर्श देने लगे कि इस तरह से काम न चलेगा, पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो। साहू जी राजी हो गए। अलगू ने भी हामी भर ली।